हेलो गाइस, आप सब ने बहुत सारी मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें जल्दी युग परिवर्तन होने की बातें कही थी कि हमारे सतगुरु जल्दी ही युग परिवर्तन करेंगे। लेकिन कई कमेंट ऐसे आते थे कि ये सब फजूल की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, कि अभी कलयुग की बहुत एज पड़ी है। जैसे हम सभी कई बार सुनते आ रहे हैं कि 4,32,000 साल कई बताते हैं इनकी एज अभी भी पड़ी है। तो ये चीज़ें मैंने जब बोलता था तो सभी नीचे कमेंट्स करते हैं कि ये भाई फजूल की बातें कर रहे हैं, तो कलयुग की अभी तो एज बहुत पड़ी है, अभी तो कलयुग की स्टार्टिंग ही हुई है। लेकिन हमारे सतगुरु खुद गाइड करते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। तो इस बार सतगुरु ने युग परिवर्तन के बारे में चर्चा की। जैसे कि सभी को मालूम था कि युग परिवर्तन बहुत नज़दीक है, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में खुशी हुई कि सतगुरु ने खुद इस चीज़ के बारे में चर्चा की। और सतगुरु ने तो साफ साफ बोल दिया कि डरो मत बेटा कि कलयुग कितने साल पड़े हैं, आपका ही बेटा सतयुगी है। और रही बात कलयुग की, तो वो तो मालिक है, पलक झपने से पहले ही कुछ भी कर सकता है। और कई कहते हैं कि कलयुग का ये अभी चरम नहीं है, तो सतगुरु ने इसके बारे में स्पेशल फरमाया कि क्या पता ये कलयुग का जोबन ही हो, जो इतना कुछ हम देख रहे हैं, इतनी खतरनाक कुदरत, इतना तबाही, इतना कुछ हम देखते आ रहे हैं, इतने जुल्म, यही कलयुग का जोबन है। और हमें तो मालूम था कि सतगुरु ने जो ये मिशन स्टार्ट किया है, ये इस धरती पर पूरी बुराई ख़त्म करने के लिए ही स्टार्ट किया था। जिनका दृढ़ विश्वास है उनको तो पता ही है कि सतगुरु का ये मिशन क्यों स्टार्ट किया था। और ऊपर भी कई त्रिलोकियाँ हैं जिसके बारे में सतगुरु ने स्पेशल फरमाया कि ऊपर युग परिवर्तन हो रहा है, कईयों पर अच्छा टाइम आ रहा है और कईयों पर आने वाला है। तो जिनका दृढ़ विश्वास है, जिनका सतगुरु के साथ पूरी दिल से जुड़े हुए हैं, उनको तो पता है कि सतगुरु ने ये किस लिए मिशन स्टार्ट किया था और इनका क्या कारण था। और अभी हम सतगुरु के मुख से खुद ये वचन सुने हैं, तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि सतगुरु ने इसके बारे में स्पेशल चर्चा की। जो कहते हैं कि कलयुग इतने साल पड़े हैं, कलयुग अभी बहुत आगे जाएगा, सतयुग का भी टाइम नहीं है, मतलब जो करोड़ों करोड़ साल उम्र बताते हैं, तो उनको मुँह तोड़ पिता ने जवाब दिया। तो काफ़ी सुन के ये अच्छा लगा कि सतगुरु ने स्पेशल भी ये फरमाया कि वो पलक झपकने से पहले ही कुछ भी कर सकता है। इसके बारे में हमने स्पेशल वीडियो कई डाली हुई थी, जब हम युग परिवर्तन की बातें करते थे तो कई इसके बारे में बोलते थे कि भाई आपको क्या पता युग परिवर्तन अभी कहाँ होगा, कलयुग इतने साल पड़े हैं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो उसके बारे में सुन के काफ़ी दुख होता था, लेकिन इस बार सतगुरु ने स्पेशल उनके बारे में चर्चा की कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जो सतगुरु के साथ पूरे दृढ़ विश्वास से पूरे दिल से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए सतगुरु ने वचन निकाल लिया कि बेटा आपके लिए सतयुगी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खुशी मिली ये चीज़ें सुन के सतगुरु के मुख से। तो हमें तो सतगुरु ने इतना खुश रख रखा है, अगर दुख में ही होता है फिर भी हमें सतगुरु ने हमें बहुत ज़्यादा खुश रखा हुआ है। और आने वाले टाइम में समुद्रों के समंदर देने की बात की है, और सतगुरु ने स्पेशल इसके बारे में फरमाया कि ये दुनिया परलय की ओर बढ़ रही है, और पहले परलय कब आई थी उसके बारे में सतगुरु ने बहुत अच्छे से सबको बताया। जैसे कि साइंस एआई तक पहुंच गई थी, और जब एआई तक पहुंच गई थी तब परले आई थी। तो पिता ने बताया कि साइंस इनसे थोड़ी और आगे पहुंच गई है, मतलब कि इनसे थोड़ी जैसे आगे पहुंच गई, मतलब वो समय बहुत जल्दी नज़दीक है, कि मतलब कि वो टाइम आ गया। तो क्योंकि सतगुरु ने ये भी वचन किए थे कि काल हमारे बच्चों को छोड़ दो, बाकी सारी दुनिया पड़ी है। इनडायरेक्ट के हमारे बच्चों का काल कुछ भी नहीं कर पाएगा, बाकी सारी दुनिया पड़ी है, समझदारों को इशारा ही काफ़ी है। मतलब सतगुरु ने ये हमें पहले वचन दिए थे कि काल हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं कर पाएगा, जो तीन वचनों का पक्का है और माल पर दृढ़ विश्वास रखता है। और हमारे यार MS जी ने कलयुग की एज भी कम कर दी, मतलब कि सतगुरु ने हमारे ने कलयुग की एज भी कम कर दी। और आने वाले परले जब आएगी, परले तो जरूर आनी है, और उनसे कौन बच पाएगा ये हमारे सतगुरु जाने, मतलब उनकी रजा में ही राजी, जैसे वो रखेंगे वैसे ही हम सब ने रहना है, तो उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। हमारे सतगुरु खुद खुदा है, खुद मालिक है, तो उनके ही इशारों पर सारा कुछ हो रहा है, तो उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक भी नहीं हिल सकता। लेकिन फिर भी मैं आप सभी प्रेमियों को बताना चाहता हूँ कि आप दृढ़ विश्वास रखो, माल पर पूरा विश्वास रखो, तीन वचनों के पक्के और सेवा सिमरन हमेशा करते रहो, तो मालिक जाने उनकी रजा कैसी है, जैसा वो रखेंगे हमने वैसे ही खुश रहना है। तो जैसे कि अभी महाप्रलय की बात हो रही है, तो उनसे कौन बच पाएगा वो सतगुरु जाने, उनकी भी आप टेंशन लेके मत बैठ जाना,
क्योंकि सतगुरु ने जिनको जो देना है समुद्रों के समुद्रों की बात की है, तो सतगुरु ने सोच रखा कि किनको देनी है, कैसे देना है, तो उनके बारे हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा काम है सिर्फ माल पर दृढ़ विश्वास और सेवा सिमरन। और सतगुरु के जो वचन आते हैं डेली वचन आते हैं, कभी कभार एक दिन छोड़ के आते हैं, तो वचन आप जरूर पढ़ा करो, क्योंकि उन पे सतगुरु ऐसे नज़ारे दे रहे हैं, सवाल जवाब जो होते हैं उनके ऐसे जवाब देते हैं कि वो सुनकर ही सबको एक अलग सी फील आती है और इतना अपने आप पर प्राउड फील होता है, इतनी खुशी मिलती है कि वो ऐसे नज़ारे दे रहे हो हम सोच ही नहीं सकते। तो प्लीज़ वो वचन आते हैं सतगुरु के वचन जरूर पढ़ा करो और खुशियाँ घर बैठे ही लूटा करो। और सतगुरु पर मेन चीज़ यही है कि उन पर विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास रखो, सेवा सिमरन के पक्के रहो, सिमरन करते रहो। और सतगुरु जैसे हमें रखेंगे, जैसे हमें अपनी रजा में राजी रखेंगे, तो वैसे ही हमने रहना है। ये नहीं अपना मुंह बना के बैठ जाना है कि हम पर थोड़ी सी कोई भी दिक्कत आती जो कुछ भी हमारा, तो सतगुरु कर्म काटते हैं। हम ये सोचते हैं हमें दुख क्यों आ गया, इस चीज़ के बारे में कभी मत सोचो। सतगुरु हमारे पास कंकर बना के भेजता है और हमेशा उसमें ही खुश रखो कि सतगुरु ने हमें बचा लिया। ये मत सोचो करो कि हमारे ऊपर इतना बड़ा दुख आ रहा और सतगुरु को आप दोष दे रहे हो, ऐसा नहीं है। सतगुरु को हमसे हमारी ज़्यादा फिक्र, जितनी हम फिक्र करते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा हमारे सतगुरु ने तो हमारे दो जहाँ की फिक्र ले रखी है, तो हम इतने भी नहीं उनके लिए सोच सकते कि सतगुरु ने जो हमें दिया उसकी रजा में ही राजी रहे। तो कभी भी सतगुरु के लिए इसके लिए मत दोषी लाया करो और उनकी रजा में राजी रहा करो, क्योंकि सतगुरु हमारे कर्म काट के हमारे पास कंकर बना के भेजते हैं, तो उसमें आप खुश रखो कि सतगुरु ने पतन पहाड़ जैसा कैसा कर्म काट दिया। और उनकी रजा में राजी रहना सीखो और स्पेशली सतगुरु के दर्शन करने भी जाया करो, जैसे सतगुरु का हुक्म आता है, जैसे जिस ब्लॉक का जैसे नाम आता है, जिनका भी उनमें नाम आता है, तो जरूर उस हुक्म की पालना करके दर्शन करने जरूर जाया करो, क्योंकि सतगुरु ही हमारे दो जहाँ के मालिक हैं, हमारे रक्षा करने वाले हैं। तो दुनिया के चक्कर में आकर सतगुरु से दूर मत होना, क्योंकि दुनिया ये फानी है, इसमें उतनी तरक्की ही अच्छी है जितनी हमारे जीने के लिए बेस्ट हो। कर्म कभी ना छोड़ो और कर्म योगी और ज्ञान योगी तो हमने बनना ही है, ये सतगुरु के वचन है। क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए जीने के लिए जितनी हमारे लिए सही है उतने में ही खुश रहो, ज़्यादा मत सोचो, ओवर मत सोचो कि मुझे वो भी मिल जाए वो भी मिल जाए। जो इतना कुछ सोचता है वो अंदर ही अंदर खुद दुखी रहने लग जाता है, क्योंकि सतगुरु ने जितने हमें जीने के लिए जितना बेस्ट दिया है वो बेस्ट ही है। कभी भी इस चीज़ के बारे में मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो जो हमारे पास है उसी में ही खुश रहो और दुनिया की फिक्र मत करो। दुनिया को कोई भी खुश नहीं कर पाया, सतगुरु ने स्पेशल इसके बारे में वचन किए कि दुनिया को आज तक कोई भी खुश करके नहीं गया, चाहे जितने भी इस धरती पर आए। तो हम इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा दिमाग ना लगाएं कि मैंने उनको खुश करना उनको खुश करना है, ये सब कहने की बात होती है। दुनिया को आज तक कोई भी खुश नहीं कर पाया ना, और ना इस चीज़ के बारे में सोचा करो। सेवा में ज़्यादा टाइम दो, सतगुरु के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, जितना टाइम देना अपने सतगुरु को दो, सेवा में दो, तो ये दुनिया के ऐसे चोचले सुन सुन के, दुनिया की बातें सुन सुन के अपने आप को दुखी मत करो। जो है आपके पास उसी में ही खुश रहो। कभी ज़्यादा सपने मत सोचो कि मैंने वो करना है वो करना है, तो क्या पता मालिक ने हमारे लिए क्या सोच रहा हो, हम क्या सोच रहे हैं। जैसे कि सतगुरु ने हमें समंदर के समंदर देने की बात की है, और जो हम मांग रहे हैं क्या पता वो छोटी सी एक कीचड़ हो जो हम सोचकर बैठे, और सतगुरु ने समंदर के समंदर की जब बात की है तो समंदर समंदर कैसे होंगे वो सोच के देखो। बस अपना कर्म करते जाओ और जो देना है नहीं देना वो सतगुरु की मर्जी, देना वो भी फिर भी उनकी मर्जी, अगर नहीं देना तो भी उनकी मर्जी है, तो उनकी रजा में राजी रहना सीखो। क्योंकि हमें सतगुरु जो मिला है ऐसा सतगुरु आज तक किसी को भी नहीं मिला इस घोर कलयुग में, जो हमारे सतगुरु आए और इस घोर कलयुग में हमारे लिए सतगुरु ने सतयुग ला दिया और कलयुग की एज कम कर दी। तो ऐसा जब दो जहाँ का खुदा मिले तो उनके साथ ही खुश रहो, उनकी रजा में ही राजी रहो। तो ये चीज़ें हम मत सोचा करो, नेगेटिविटी मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव माइंड रखो। ये सोचो कि हमें दो जहाँ का सतगुरु मिला, खुद भगवान MSG यार मिला है, तो सतगुरु ने हमारे लिए जल्दी ही युग परिवर्तन करेंगे, और उन्होंने कैसे करना है ये उन्होंने तय कर रखा है। लेकिन सतगुरु ने जैसे वचन कर दिया कि आपके लिए बेटा सतयुग है, तो उसी में खुश रहो कि हमारे लिए सतयुग है। हम झूठ नहीं बोलते, दुनिया की बुराइयों से दूर हैं, सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है, ऐसे माहौल में भी ऐसे टाइम में भी, तो इससे बढ़िया सतयुग और क्या हो सकता है। तो ये हमारे लिए सतयुग है, क्योंकि हमारे लिए
सतगुरु ने सतयुग ला दिया, इतने बुरे टाइम में हमें सतगुरु इतनी खुशियां दे रहे हैं, तो सतगुरु की रजा में राजी रहो और हमेशा अपने सतगुरु का शुक्राना करते रहो और उसकी रजा में ही राजी रहो और हर पल सतगुरु को याद रखो। सो थैंक यू सो मच, सतगुरु ने हमारे लिए इतने बड़े वचन कर दिए। तो प्लीज़ फिर से एक बार सबको बोल रहा हूँ मैं कि प्लीज़ आप सतगुरु के वो वचन डेली सुना करो, रीड करने होते हैं वो, और सतगुरु के जैसे ही दर्शनों का हुक्म आता है तो उस दिन दूर जाया करो। सो थैंक यू सो मच। तो ये था आज का टॉपिक जो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली, सतगुरु ने स्पेशल कलयुग के बारे में बात की कि उनका समय कैसा है, उनको ख़त्म कर दिया या कब सतयुग आएगा। सो थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ मिलते हैं एक नेक्स्ट बहुत बड़े टॉपिक के साथ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और हर एक प्रेमी तक जरूर पहुँचाना। सो थैंक यू सो मच।